उन्हें राजभवन भी घेरना चाहिए था जिस दिन 1932 वापस किया गया था। तमाम चीज़ों पे इन्हीं का हाथ है वापस चीज़ों को कराने के लिए। आज अगर राज्य का नियोजन नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है, तो इन्हीं का देन है ये राज्य को। और इस तरह से ये राजनीति करते हैं इन तमाम चीज़ों में, तो इन्हें ये गंभीर विषय है और जनता को भी ये सभी चीज़ों के थ्रू देखना चाहिए और समझना चाहिए। नीति हम अगर अगर हम लोग सो रहे होते, नीति नहीं बनाए होते, तो आप ये सवाल हमारे समक्ष रखते। इसी हम पिछले साल हम लोगों ने भेजा था, पिछले साल हमने गवर्नर के यहाँ 1932 को भेजा था, किंतु इसे वहाँ से वापस कर दिया गया। उस समय इन्होंने धरना क्यों नहीं दिया, आप हमें बताएं इस चीज़ को। गवर्नर हम लोगों ने तो समक्ष सभी गठबंधन के जितने लोग हैं, साथ ही विपक्ष दल को भी हम लोग साथ ले जाके चाहते थे कि गवर्नर जी से बात की करें, मगर ये लोग क्यों नहीं आए। यहाँ पे झारखंड में 14 सांसद में 12 सांसद इनके हैं, रिजर्वेशन पार्लियामेंट का मुद्दा है, ये क्यों नहीं आ सकते हैं वहाँ। राजनीति करना बंद करें, झारखंडी इतना मूर्ख नहीं है, समझते हैं चीज़ों को। आपका 80 दिन से ज़्यादा हो रहा है, वो राज्य जल रहा है और हम तनाव की स्थिति बना रहे हैं। देखिए, भाजपा बहुत अच्छे तरीके से गैस लाइटिंग करती है। गैस लाइटिंग आप लोग सभी जानते हैं, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है जिसमें आप इतने मतलब ऐसे नरेटिव बिल्ड कर देंगे कि लोग अपने सैनिटी को जज करने लगते हैं। और वही आज ये कह रहे हैं, ये कहते हैं कि वो मणिपुर के हिंसा के लिए, आपने स्मृति ईरानी जी को भी देखा किस तरह से सदन में वो चिल्ला रही थी और कह रही थी कि राहुल गांधी जी ने जलाया मणिपुर को। आप बताइए इसमें कोई तर्क है। मगर जब मेजॉरिटी में लोग रहते हैं, बार बार एक ही झूठ को रिपीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सही में लोगों को सच लगने लगता है। तो गैस लाइटिंग करने में ये आगे हैं और यही चीज को कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।